किस स्तर पे नहीं, कोई आंसर नहीं करने आते हैं। अरे सब आंसर दे रहे हैं, शांति से चिल्लाना बंद करिए पहले। मैं इतनी देर से सुन रहा था ना आपकी बात। कौन किसको है कल का? अगर आगे नहीं जी निवेदन को स्वीकार करे। अरे पिट्ठू मत बनिए सरकार, आज के बाद मत बोलिएगा। चर्चा करने के लिए बहुत सारे प्रावधान है। सवाल ही तो ऑक्सीजन है ना, कॉलिंग अटेंशन, सवाल ही तो वो ऑक्सीजन है, सवाल की जरूरत नहीं है। मतलब आप भी उनको चीनी कह के संबोधित ना करें, आप अपनी बात करके। मेरा निवेदन है चाय वाला कह के संबोधित कर सकते हैं, हम मैच्योर हैं तभी हम इनके बीच में। भारत में जो अहम मुद्दे होते हैं ज्यादातर लोग मीडिया से उम्मीद करते हैं कि उन मुद्दों को मीडिया डिबेट के जरिए उठाएगा और सरकार के नेताओं से सवाल करेगा। पर अब हमारा मीडिया डिबेट किन्हीं और मुद्दों में ही करने में व्यस्त हो चुका है। इन डिबेट्स में भी बीजेपी नेता विपक्षी नेताओं पर छाए दिखाई देते हैं और जब विपक्ष अपने जवाब देने लगते हैं तो मीडिया एंकर उन्हें बीच में ही टोक देते हैं। पर ऐसे कुछ मौके भी उत्पन्न हुए हैं जब विपक्षी नेताओं ने मीडिया और बीजेपी नेताओं को मुंह तोड़ जवाब दिया हो। आज तक की एक डिबेट में जीडीपी के आंकड़ों पर बहस हुई। इसमें कांग्रेसी नेता ने बीजेपी नेता संबित पात्रा से सवाल किए। अपने जवाब में संबित ने कांग्रेस का मजाक उड़ाना शुरू किया, जिस पर कांग्रेसी नेता ने संबित पर तंज कसा, जिससे संबित बहुत परेशान दिखाई दिए। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है बेरोजगारी, ये दिखाता है भुखमरी, ये दिखाता है गरीबी, और ये दिखाता है कि सरकार के पास अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कोरोना के समय जी जवाब दीजिए और कोई चारा नहीं है। अब के बाद तुरंत पद्म विभूषण दिया जाए इनका। नहीं नहीं नहीं, तो आप मेरे स्तर पे क्यों आ गई? आप तो महान हैं, आप तो ऑस्कर विनर हैं, आप तो नोबेल समझ में आती है। आप मेरे स्तर पे आप मेरे स्तर पे क्यों आ रही है मैडम? आप तो इतने निम्न स्तर का मैं बहस कर रहा था कि मैंने चीन पे कविता सुना दी। अरे आप आंसर दीजिए ना, अर्थव्यवस्था पर आंसर दीजिए। किसी स्तर पे कोई आंसर नहीं करने आते हैं। अरे सब आंसर दे रहे हैं, शांति से चिल्लाना बंद करिए पहले। मैं इतनी देर से सुन रहा था ना आपकी बात, अब सुनिए। फिर वही जोकर गिरी। जोकर एक ही है पूरे हिंदुस्तान में, याद रखिए। उसका नाम क्या है पता है आपको? जोकर एक ही है, इसलिए फालतू बातें करना बंद करिए और अपने स्तर पर ठीक रखिए मैडम। एक तो चाइना के ऊपर कोई जवाब नहीं मिला और पहले मैं डिमांड करता हूँ आज तक के ऊपर। ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के न्यूज 18 पर जेईई नीट के मुद्दे पर चर्चा में जब कांग्रेसी नेता ने अपने सुझाव दिए तब अमीश ने उन्हें बीच में ही टोकना शुरू कर दिया, जिस पर कांग्रेसी नेता ने तंग आकर अमीश को ही सरकार का पिट्ठू बता दिया। एक सेकंड मैडम, आपने एक अच्छा सजेशन दिया कि बाढ़ है कई इलाकों में। बाढ़ कोई पहली बार तो इस मौसम में नहीं आ रही, बाढ़ हर बार ही आती है, तो हमें सुविधाएं अच्छी करनी चाहिए, चाहे वो पंजाब की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो। मेरा निवेदन स्वीकार करिए, आप मेरे को सुधांशु जी के पास भी जाने दीजिए। सुधांशु जी जिस तरह से आपने मुझे हैकल किया है, सुधांशु जी को भी हैकल करिए। ना ना, मैंने आपको पूरे आपको पहले 60 सेकंड का मौका दिया, उसके बाद भी अभी भी आप एक सवा मिनट बोलिए। इसलिए आप ना डिसाइड करें कि कौन किसको हैकल कर। अगर आगिनी जी निवेदन को स्वीकार करे। अरे पिट्ठू मत बनिए सरकार। ना ना, आज के बाद मत बोलिएगा। पिट्ठू होंगे आप और आपके आपके साथ के होंगे कई पिट्ठू। अमीश देवगन को पिट्ठू बोलने की जुरत मत करना राजनी नायक। चुप रहो। जनता, मैम आपसे पत्रकारिता का भाषण नहीं चाहिए, मैं आपके पिटकों से पत्रकारिता का भाषण चाहिए। मैडम मैडम, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर आपके साथ पर्सनल डिबेट के अंदर नहीं हूँ। न्यूज 24 पर सांसद में प्रश्नकाल ना होने को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने बीजेपी नेता से इस बार का संसदीय सत्र में प्रश्नकाल ना होने को लेकर सवाल किए। अपने जवाब में बीजेपी नेता जीरो आर पर जोर देने लगे, तभी एंकर ने उन्हें प्रश्नकाल के रद्द किए जाने को लेकर जवाब देने को कहा। संसद चलेगी, सवाल नहीं पूछे जाएंगे, तो संसद चलने के मायने क्या? ये सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। एक सबसे पहले शुरुआत में एक जीरो आवर होता है, जीरो आवर दोनों सदनों में होगा। जीरो आवर में हम इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, कुछ भी हो अपने क्षेत्र में हो, अपने प्रदेश में हो, उसको और देश में हो, उसको उस समय उठा सकते हैं। इसको तो एक घंटे सवाल जवाब क्यों नहीं हो सकते? क्वेश्चन आवर क्यों नहीं हो सकता, मुझे ये बताइए ना। इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। क्वेश्चन आवर में एक आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ, आप बॉर्डर पर कोई चर्चा करना चाहे तो दे कैन गिव अ नोटिस। चर्चा करने के लिए बहुत सारे प्रावधान है। सवाल ही तो ऑक्सीजन है ना, कॉलिंग अटेंशन, सवाल ही तो वो ऑक्सीजन है, सवाल की जरूरत नहीं है। मतलब इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर को मीडिया कभी दिखाती नहीं है, केवल आज राजनीति। तो इसीलिए आपने सस्पेंड कर दिया, मीडिया नहीं दिखाता है क्वेश्चन आर को, तो आपने कहा क्वेश्चन आर की जरूरत ही क्या है? न्यूज 18 पर चाइना के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में संबित पात्रा ने अपने जवाब में कांग्रेस की आलोचना करनी शुरू की, तभी कांग्रेसी नेता अलका लांबा ने संबित को बीच में टोक दिया। उनके बार बार टोकने से संबित परेशान हो गए और एंकर को उन्हें रोकने को कहने लगे।
LAC के पार तो चीन की सेना नहीं आई है, मगर हाँ सीमा से इतना हजार किलोमीटर तक का जमीन जो कब्जा किया हुआ है वो कब्जा तो चच्चा के जमाने से। अच्छा जानते कौन चच्चा ने? चच्चा ने क्यों? देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं इनके बीच में नहीं बोलता हूँ, शांति से सुन लिया जाए। कहाँ से उठा के लाते चीनी एजेंट आप अमीश भाई, जिनको तमीज भी नहीं है बोलने का? ये चीन की तरफ बिहेव करना बंद करिए। अगर आप मेरे LAC के अंदर घुसेंगे तो फिर मैं भी दिखाऊंगा। अरे आप सुन लीजिए, ये चीनी एजेंट को बता दीजिए हम हिंदुस्तानी हैं, हमने बड़े कट्स में आप चिल्लाते हैं दूसरों के ऊपर। ना ना अमीश भाई, आप शांति से सुन लीजिए दूसरों को भी। मैं तो सुन ही रहा हूँ समित पात्रा, कांग्रेस बोल रही है, अमीश देवगन नहीं बोल रहा। समित पात्रा आप भी उनको चीनी कहकर संबोधित ना करें, आप अपनी बात करके। मेरा निवेदन है लेट्स नॉट गेट पर्सनल, माय हंबल रिक्वेस्ट टू बोथ ऑफ यू, आप दोनों भी पर्सनल ना हो। आप दोनों मैच्योर नेता है अपनी पार्टी के। समित पात्रा यू मेक योर पॉइंट। चाय वाला कहकर संबोधित कर सकते हैं, हम मैच्योर हैं तभी हम इनके बीच में नहीं बोलते हैं, मगर ये सबके बीच में बोलते रहते हैं। न्यूज नेशन पर चाइना के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में दीपक चौरसिया ने कांग्रेसी नेता से राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की। जब कांग्रेसी नेता जवाब देने लगे तभी दीपक ने बीच में ही टोक दिया, जिस पर कांग्रेसी नेता नाराज हो गए और उन्होंने दीपक को खरी खोटी सुनाई। भारतीय जनता पार्टी वो अपनी बात को सही साबित करने के लिए, अपनी बात को छुपाने के लिए कांग्रेस के ऊपर, जिस कांग्रेस ने इस हिंदुस्तान के, वो तो पीछे पड़े, पर आपका तो एग्रीमेंट है, वो तो पीछे पड़े, आपका तो एग्रीमेंट है। एक दीपक भाई एक बड़ा मसला हो जाता है, जानते क्या है, भारतीय जनता पार्टी को आप निर्बाध रूप से बोलने देते हैं और कांग्रेस के सर, अगर ऐसा बयान वो कोई देंगे तो उनसे भी पूछूंगा, वो ऐसा बयान नुपुर शर्मा देंगे उनसे भी पूछूंगा। हम आप इतने बड़े पत्रकार नहीं है कि हम निर्बाध रूप से बोल पाए, हमें निर्बाध बोलने दिया कि आप समय दे दिया, क्योंकि बात पूरी नहीं आ पाती है और आप उस चीज को फिर प्ले कर ले जाते हैं, क्योंकि आप तो भाई बड़े पत्रकार, महान पत्रकार है, बड़े भाई है हमारे। आपकी सारी ऐसा कई बार हुआ है कि डिबेट में बीजेपी नेता बोलते हैं तब एंकर उन्हें बहुत कम टोकते हैं, और जब कोई विपक्षी नेता अपना जवाब देने लगता है तब एंकर उन्हें बीच में ही बार बार सवाल करने लगता है। पर इस सब के बावजूद विपक्षी नेता डिबेट में बीजेपी नेताओं को चुप करवाने की हिम्मत रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।